तंबाकू का उपयोग हमारे समाज में एक ऐसा व्यसन है जिससे कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, मध्यम एज ग्रुप के हों या बूढ़े हों, सभी वर्गों में इसके उपयोग का एक ऐसा दुष्प्रभाव है जो कि देखा जाता है। ज़्यादातर तंबाकू का जो उपयोग बच्चे प्रारंभ करते हैं उसमें 80% लोग जो फर्स्ट स्मोकिंग करते हैं दैट इज बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद शायद ही कोई प्रथम बार स्मोकिंग का उपयोग करता हो। तो जो 18 साल से 25 साल का जो एज ग्रुप है जिसको कि अपन यूथ बोलते हैं, उसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चे तंबाकू का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। अब ये जो तंबाकू का उपयोग होता है ये बीड़ी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग और चिंग टबैको जो कि तंबाकू खाने की आदत होती है उसमें होता है। यूथ में जवान लोगों में स्मोकिंग का पैटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि वे पिक्चर्स देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ मूव करते हैं, तो उनको क्या ऐसा एक फॉल्स इम्प्रेशन रहता है कि अगर वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में उससे इजाफा होता है और उनकी पर्सनैलिटी जो है इट इज़ लुकिंग मोर इम्प्रेसिव। तो ये जो एक इम्प्रेशन उनके दिमाग में है इसकी वजह से वो स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये स्मोकिंग सिगरेट, सिगार और बीड़ी किसी के विरुद्ध में हो सकती है। जीने की अब मेरे पास कोई आस ही नहीं रही, इससे बुरा और मेरे साथ क्या हो सकता था। शौक में उठाया हुआ एक गलत कदम मेरी जिंदगी में इस तरह हावी हुआ कि मैं चाहकर भी इसको छोड़ ना पाया। सिगरेट की इस बुरी लत को मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश करी पर अब जिसे लत नहीं मेरी जरूरत बन चुकी थी, जिसे छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया। पूरी तरह अंधकार की ओर चला गया और मैं मेरे करियर को और खुद को नशे की इस बुरी लत से बचा नहीं सका। हेलो पापा जी, मैं फेल हो गया एग्जाम में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन इतना मत लो बेटा, तू घर वापस आ जा, सब सही कर देंगे, चिंता नहीं कर बेटा, घर वापस आ जा।
such a loser. नशे की इस बुरी आदत की वजह से मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और अब मेरा साथ निभाने के लिए कोई भी नहीं था। मैं खुद को अकेला तन्हा महसूस करने लगा। सिगरेट की इस बुरी लत मैं अब छोड़ना चाहता था। जीवन में कुछ करना चाहता था, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं सका। सिगरेट के इस नशे ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर शायद मुझे मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा नाम महेश चंद है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के रहने वाले हूँ। करीब 8-10-12 साल हो गई हमको बीड़ी तम्बाकू गुटखा खाते खाते। इस वजह से इस रोग का मैं कैंसर का रोगी हो चुका हूँ। हाँ, इसी वजह से आप लोगों से भी है, कोई लोग इस बीड़ी तम्बाकू गुटखा को सभी लोग छोड़ने का वो करें, इस कैंसर से बचें भाई। ठीक है।